विचार है ए माई लवंडी हम का समस्या के निवारण के आवे कि बहुत बहुत नेता लोग बाटा उनकर बाप है हमें। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में और आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर के पिपराइज नगर क्षेत्र वार्ड संख्या 2 में। इस समय नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और नेताजी लोग अपने वादे और एजेंडे को लेकर नगर क्षेत्र में चलने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच आने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में जैसे हम यहाँ से गुजर रहे थे तब तक एक चौपाल देखा गया जिसमें यहाँ के सभासद प्रत्याशी यानी कि दिनेश रंजन जी उर्फ सालू जी अपने लोगों के बीच में बैठकर चौपाल लगाकर जन समस्या को सुनवाई कर रहे थे और उनके मुद्दे को जानने के हम प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो जनता यहाँ इकट्ठा हुई है क्या जनता का बात सुना जाता है और कहाँ तक जनता के समस्याओं का निवारण किया जाता है, इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभासद प्रत्याशी दिनेश रंजन जी, हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? ठीक है। आप एक प्रत्याशी हैं, नगर क्षेत्र में चल रहे हैं और यहाँ ये कैसा चौपाल लगा है? यहाँ पे ये जन समस्या का जो भी है, मतलब ये लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे मतलब उपस्थित हुए हैं और उनके निवारण के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक। ये रोजाना का ये चौपाल, मैंने रोजाना यहाँ जन समस्या सुनी जाती है या फिर किसी एक विशेष? रोजाना जी। यही लगता है कि इस तरह की संख्या जहाँ देखने को मिल रही है कि लगभग दिन में हमें लगता है 20 या 50 लोगों की इकट्ठा जरूर हो पाते होंगे यहाँ रोजाना का आना जाना लगा हुआ। जी, निश्चित है। चलिए अब हम बात करते हैं चुनावी क्षेत्र पे, क्योंकि ये एक प्रत्याशी हैं, वार्ड संख्या 2 से एक सभासद प्रत्याशी हैं। वार्ड संख्या दो में आप जब भ्रमण करने के लिए जाते हैं, जनता से मिलने के लिए जाते हैं, तो सबसे जटिल समस्या क्या देखने को आपको मिलती है? सर, सबसे जटिल समस्या यहाँ की है नाली। ठीक है, नाली और जितने भी पोल लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी ये वायर जो लटके हुए हैं, सबसे जटिल समस्या यही है। ठीक है, इसके निवारण के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो मतलब इसके निवारण के लिए मैं यहाँ से उठ रहा हूँ। कई लोगों का आवाज़ तो बन चुका है, ठीक है, और नाली सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। हम बात करेंगे नेताजी चुनाव से पहले, चुनाव के ऊपर और हम चर्चा करें, उसके पहले हम बात करेंगे आपसे क्यों आप राजनीति में आ रहे हैं? राजनीति में आने का मतलब है, देखिए हमारा पूरा बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ है। हमारी माता श्री भी राजनीति से जुड़ी हुई थी, पिताजी भी पूर्व सभासद थे और इस समय मनोनीत पार्षद भी हैं वार्ड नंबर 2 से। पहले ये वार्ड नंबर 2 था, उसके बाद अब ये 4 हो गया। ठीक, और इसलिए आप सोचते हैं आप जो हमारे पिताजी सेवा किए हैं, वो तो मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हम सारा सेवा जितनी भी सेवाएं हम लोगों को, तो इस स्थिति में जनता का सहयोग मिल पा रहा है आपको? जी 90% तक मिला है। अच्छा, ठीक है। चूँकि बुजुर्गों के अंदर एक ख्यालात रहता है कि युवा है, लड़का है, ना समझ है जी, क्या करेगा, विकास कैसे भागदौड़ संभालेगा इस वार्ड संख्या 2 का, तो इस तरह की भ्रांतियाँ तो नहीं बुजुर्गों में देखने को मिलेंगी? नहीं, ऐसी कोई भ्रांतियाँ नहीं हैं। लेकिन हालांकि जितने बुजुर्ग हैं हमारे इस सपोर्ट में हैं। ठीक है, युवाओं का कितना सपोर्ट मिला आपको? युवाओं का भी लगभग 90% तक। ठीक है, क्या बदलाव करने वाले हैं वार्ड संख्या 2 में? बदलाव ये करने वाले, नालियों की सबसे बड़ी समस्या है, यही बस बदलाव करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ पोल की समस्या है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं यहाँ से। बुजुर्ग माता और जो कह लीजिए कि भाभी श्री या बहन, हाँ, ये लोग क्या महिलाएं आपकी बातों को समझ पा रही हैं? एकदम अच्छी तरह से समझ लेती हैं ये लोग जी। एक सवाल आता है कि जनता आपको क्यों चुने, आपने जनता के लिए क्या किया? जनता के लिए अगर ये जनता से पूछा जाए तो और बेहतर रहेगा। अच्छा। जी, एक समस्या हमें देखने को मिलती है नेताजी, बहुत ही जटिल समस्या देखने को मिलती है कि आपके नगर वार्ड संख्या अगर 2 में घूमा जाए, भ्रमण किया जाए, तो देखने को मिलता है कि नगर के क्षेत्र की जनता को पानी खरीद के पीना पड़ता है, यानी कि रोज़ाना 20 रुपये देकर पानी खरीद के पीना पड़ता है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि अगर आप यहाँ वार्ड संख्या 2 के सभासद होते हैं तो क्या करेंगे उसमें? तो सर, अगर ऐसी बात है तो हम अपने वार्ड में 2 मतलब RO का वो प्लांट लगा हुआ है ना, तो हम सोच रहे हैं 2 जगह पर लगवा देते ताकि लोगों के मतलब समस्याओं का निवारण हो जाता। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है कि लोगों के समस्या पे जायज़ा लिया जाए, लोगों की समस्या को देखा जाए और जो जटिल समस्या है उसका निवारण होना चाहिए। जैसे कि नेताजी ने बताया कि जो भी हमारे मुख्य मुद्दे हैं उसको लेके हम चलेंगे और नगर
क्षेत्र वार्ड संख्या 2 में विकास करेंगे। हम यहाँ उपस्थित लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो भी लोग आते हैं समस्या को लेकर, कितने लोगों का समस्या का निवारण हो पाता है सर? लगभग 90% लोगों का हो जाता है जी। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे अपने चुनाव को लेकर? और लोग बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना, इस बार हमको जिताएं, ठीक है, उसके बाद सारी समस्याओं का निवारण हम खुद करेंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा। जी, भारतीय जनता पार्टी से। अगर टिकट ना मिले तो क्या होगी सर? टिकट ना मिले तो उसके लिए फिर अब आगे सोचा जाएगा सर। अच्छा, अच्छा। जी, टिकट नहीं मिलेगा तो आगे सोचा जाएगा, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन यहाँ उपस्थित लोग, एक चीज़ और मैं बताना चाहता, अगर टिकट मिले चाहे ना मिले, अगर मैं जीतूँ चाहे ना जीतूँ, जीतने के बाद भी मैं वो जनता की सेवा करूंगा, अगर हार भी जाता हूं तो भी मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। चलिए, ये पहले नेता ऐसे मिले कि जिन्होंने चुनावी बात को छोड़कर सामाजिक, यानी कि समाज के लिए एक बात होती है उसको उन्होंने रखा कि हम चुनाव जीते हैं या हारें, लेकिन समाज के बीच में रहने का काम करेंगे, समाज के लोगों का सेवा करने का काम करेंगे। अंत में हम एक सवाल और पूछेंगे। लोगों ने बताया कि आपने कोरोना काल से लेकर अब तक जनता के बीच में रहने का काम किया, कोरोना काल में इन जनता का बहुत सेवा आपने किया, तो इस समय चुनावी क्षेत्र आ गया है, चुनावी क्षेत्र में चल रहे हैं, तो कोरोना काल में सेवा किए गए का कुछ परिणाम इस समय मिल रहा है, जनता आपको समझ पा रही है? जी जी, एकदम परिणाम है, सब लोग अभी, वो तो जनता खुद बताएगी सर। जी, चलिए आइए, जनता जनता की बात हो रही है, हम यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उसी समय हम लोग भी आ गए हैं, तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या यहाँ आते हैं लोग तो ये यहाँ कितनी समस्याओं का निवारण होता है। बैठिए नेताजी, बैठिए आप। चाचा, क्या नाम है आपके? हमारा नाम राजेंद्र वर्मा है। अच्छा, कहाँ रह जाला? पिपराइट में। अच्छा, वार्ड संख्या 2 में। अच्छा अच्छा, यहाँ कहाँ आए? ये हमारी पेंशन के लिए परेशानी है, इसलिए यहाँ आपके पास आया हूँ। नेताजी कह रहे हैं कि हम सब समस्या का निवारण कर देते हैं। कह रहे हैं हो जाएगा, घबराओ मत। अच्छा अच्छा, हाँ, निवारण करते हैं समस्या। हाँ हाँ, करते हैं। चाचा, आपके क्या नाम है? शंकर। यहाँ का किराए बाटी? यहाँ हमेशा आई है बाबू। हाँ, नेताजी कैसा नहीं? ठीक है बाबू। व्यवहार यहाँ के कैसा ना? बढ़िया है, हरदम पूछल कर रहे हैं। हाँ। का काम करते हैं, मिलने का काम ही नहीं करते हैं, उन्हें जाना पड़ता है मिलने के लिए। माई, का हाल चाल बा? हमारे हाल चाल सब ठीक बा बाबू। यहाँ रोज आवे नहीं की आजू आई? रोज आईला, रोज दिन जाइला, आज उसे ना इनके चार पूछते हमें आईला जाइला। हाँ, ना व्यवहार है ना बात विचार है। ये माई लवंडी हमें का समस्या के निवारण कि बहुत बहुत नेता लोग बाटा उनकर बाप है हमें। हे माई, विकास कई पई है? कई दी है, कई दी है। तो समस्या के निवारण कई पई है? हाँ हाँ, तब का? अच्छा, अबे सबे रात बिरात तैयार हमें। हाँ, हर हरज गरज जान देगा तब से तैयार हमें हमेशा। कौन समस्या के निवारण कैले बने? हाँ, कैले बाटे, कैले बाटे, बहुत बहुत समझता कैले बाटे हमन के। ये माई चुनौगा के बाद मिली है? हाँ हाँ, एक बार चुनौगा बा हम बाबू जिताएंगे, एकदम कमल के फूल पर हम मोहर मारेंगे। नेताजी पैसों देने का? ना ही, एक पैसा नहीं, कबो बता दें कि एक पैसा फालतू ले बैठी, कोशिश किया और खा लेला। अच्छा, चलिए, जनता की ललकार है भाई, बुढ़िया माँ। ए माई, तोहरे उम्र के और जितना माता जी वाली वो लोग वोट दी है? चल गई, हमारे उम्र के 2 मिला बाटी, एक तो है बाटी नहीं, एक जन और 3 मिला बाटी हमारे पुराने में। नहीं पैसा रहे तो अपन बिखो दे कार चलाना। अच्छा अच्छा, चलिए, नेताजी का विश्वास है जनता के प्रति, जनता का प्रेम और स्नेह लगाव है। जनता का कहना है कि नेताजी चुनाव जीतने के बाद कहीं जाएंगे नहीं, नेताजी जनता के बीच में रहेंगे और विकास करेंगे। कुछ कहना चाहती है का अभी? नहीं, अम्मा कहता नहीं, नरिया के वो कहता नहीं। तो भैया, पहली बार इस तरह के माहौल मिला कि नेताजी बैठे थे और यहाँ सभी लोग उपस्थित थे, जनसुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था, इसी में हम भी उपस्थित हो गए। जनता की ललकार है, हुकार है कि दिनेश रंजन को इस बार लाना है और अपने वार्ड संख्या 2 को विकास कराना है। तो ऐसे ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।